तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, वो भी हम बंडा का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एकदम पनीर भी फैले है इसके सामने। तो इसको हम बनाने का प्रोसेस आपको बताएंगे, वीडियो के लास्ट में बने रहें। और बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही कम समय में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है और कितना इसमें टाइम लगता है। तो टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको लगभग 20 मिनट का समय लगेगा आपको। और बहुत ही इजी है और टेस्टी तो बहुत ज़बरदस्त होता है। आप देख सकते हैं इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसको बनाने के बाद आप पूरी से गर्मा गर्म बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं। और हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है बनाने का। तो सबसे पहले हम जो है बंडा है उसको हम छील लेंगे, छील करके वॉश करके इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली जो है हम इसको कट कर चुके हैं। कट करने के बाद इसको यहाँ पे एक अलग बर्तन में रख लिए हैं और टोटल इसको मीडियम शेप में कट किए हैं, नहीं ज़्यादा पतला है और नहीं ज़्यादा मोटा है। और यहाँ पे कुछ मसाले दिखा रहे हैं जिसमें है धनिया, सरसों, लहसुन और हरी मिर्च, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला लिए हैं, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं लिया है हम, तो हाफ हाफ चम्मच है। और यहाँ पे लिए हैं तेल जो कि 50 ग्राम है। इसको हीट होने देंगे। जब ये हीट हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे मेथी, यानी आधा चम्मच हम मेथी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम मेथी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हमें क्या करना है कि इसमें जो है स्वाद अनुसार हम मिर्च ले लेंगे, मिर्च का तड़का इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे मिर्च डाल दिए, उसके बाद ये जो मसाला है हम इसमें बघार देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर। अब इसको ढक्कन हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो पेस्ट बनाए हुए थे वो मसाला हम इसमें बघार दिए हैं हरी मिर्च ऐड करने के बाद। उसके बाद स्वाद अनुसार हम नमक ले लेंगे इसमें। तो इसमें 1.5 चम्मच हम नमक ऐड किए हैं। अब इसमें 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें हल्दी पाउडर भी ले लेते हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ एक टमाटर और एक आम का अचार, जो कि आम का अचार। इसमें आप बोलेंगे कि आम का अचार क्यों है, यानी खटाई। तो इसमें खटाई भी आपको ले लेना है और इसको पकाना है। आपको तब तक पकाना है जब तक ये मसाला पूरा अच्छे से भुना ना जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 मिनट पूरा लगेगा आपको मसाला भुनने में। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है भुना चुका है, यानी फाइनली रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ सब्जी जो है वो हम इसमें ले लेते हैं और ले करके इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे। आपको लगभग 3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे साथ में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली जो है यहाँ पे हम फ्राई करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखे हैं। अब हम आएगा प्रोसेस आपको बताएंगे। आपको ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही ईजी है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि पानी ऐड करेंगे। अगर आपको चाहते हैं, अगर बग़ैर सालन वाला बनाना चाहते हो तो बग़ैर सालन वाला भी बन जाएगा। अगर इसमें सालन ऐड करना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे कम से कम हमें 3 से 4 मिनट तक इसको भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, और भूनते रहेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूनने के बाद जो है इसका लुक जो बहुत ज़बरदस्त आता है। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे बन रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप चाहे तो इसको उबाल करके भी बना सकते हैं और बग़ैर उबाले भी बना सकते हैं। तो हम इसमें अभी डायरेक्ट बनाने को बताए हैं आपको, इसमें बॉयल करके नहीं बताए हैं बनाने। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉयल करके कैसे बनता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त। उसमें एकदम कम मसाला लगता है, इससे भी कम मसाले में वो बॉयल करने के बाद हो जाएगा। लेकिन आप अपने स्वाद अनुसार मसाला यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपको 1 इंच ऊपर पानी रखना है। जो ये सब्जी है इसमें भुनने के बाद 1 इंच पानी ऊपर ले लेना है और इसके बाद ढक्कन को बंद कर लेना है मिक्स करने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, ये जल्दी पकता नहीं है। तो ढक्कन को बंद करते हैं और पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं और बीच बीच में आपको चलाते रहना है। तो फाइनली इसको 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है पकना शुरू हो चुका है। तो इसको कम से कम 12 मिनट हम इसको पकाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है पकने में, तो 12 से 15 मिनट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच बीच में आपको ढक्कन हटा करके चला लेना है और इसको पकाते रहना है। तो फाइनली ये पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें पकने तक वेट कर लेंगे, 10 से 12 मिनट तक हम वेट कर लेंगे। और वेट करने के बाद हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ पे जो है पूरा जो है अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो गया, यानी 12 मिनट कंप्लीट हमारा हो चुका है।
अब हम इसको पूरा, ये अच्छे से पक चुका है, फाइनली ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा सालन ऐड कर देंगे क्योंकि सब्जी को सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही इसको पूरा मसाले को अच्छे से भून चुके हैं हम, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं रेडी हो चुका है हमारा सब्जी। इतने पे हम चाहें तो इतना पे भी उतार सकते हैं, अगर आपको लगे कि ज़्यादा आपको सालन नहीं चाहिए तो इतना पे आप चूल्हा को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें सालन ऐड करना है इसलिए हम चूल्हा से नीचे नहीं उतार रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है 80% तक ये पूरा सूख चुका है, फाइनली भुना चुका है और पहले भी हम भून चुके हैं, तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे जितना हमें सालन चाहिए, लेकिन पूरा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम इसमें पानी ऐड कर दें ताकि इसका सालन बन जाए, क्योंकि सालन बहुत लोग को पसंद है। और इसके बाद ढक्कन को ऐड कर देंगे इसको बॉयल होने के लिए, फाइनली 3 मिनट पकाएंगे सालन ऐड करने के बाद और 3 मिनट बाद हम चूल्हा को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम सालन ऐड कर दिए हैं, आपको बताए हैं कि यहाँ पे सालन भी बन चुका है हमारा। अब चूल्हे से नीचे उतार दें और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली जो है हमारा सब्जी रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम अब निकालते हैं और परोसते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे फाइनली जो हमारा सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनी है। तो आपको बता दिए हैं कि बगैर सालन वाला भी और ये सालन वाला भी, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और कैसा बना है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट हाँ ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसा बनाया हमारा सब्ज़ी, आप सबको कैसा लगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और हाँ आप सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।